सो हेलो मेरे का फैमिली, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे ही होंगे। आज मैं कोई हुक्के की अनबॉक्सिंग नहीं करने वाला। एक कस्टमर का हुक्का हमारे पास वापस आया है। उनको इश्यू था कि इसके अंदर स्मोक नहीं बन रहा। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेरे बेचे हुए हुक्के में स्मोक ना बने। चेक कर लेते हैं कि हुक्के में क्या दिक्कत आ रही है। उन्होंने बताया है कि 3-4 बार हुक्के को लगाया बट स्मोक किसी भी तरीके से नहीं बन पा रहा। अभी चेक कर लेते हैं कि क्या इशू आ रहा है इसमें। ये जो है ये बेसबॉल वाला मॉडल है, यूनियन आर्गुमेंट, ये मॉडल है ये। और इसका नोजल निकाल लेते हैं, हैंडल निकाल लेते हैं। हैंडल और पाइप जनरली मैं अपना यूज़ करता हूँ बट इसके अंदर इशू चेक करना है, इसलिए मैं यही वाला हैंडल पाइप वगैरह सब कुछ इसी पीस का ही यूज़ करके देखूँगा कि इशू क्या है। इसकी प्लेट निकाल लेते हैं और ये निकाल लेते हैं। इसकी ये प्लेट लगाने की तो अभी कोई ऐसी ज़रूरत है नहीं। चलो सारा सामान निकाल लिया। देखो सबसे पहले इशू चेक करने का तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले बेस को पकड़ो। अगर यहाँ पे होती है बॉल, उसे चेक करना होता है। आवाज़ नहीं आ रही तो दूसरी चीज़ करके दिखाता हूँ। ऐसे ये नोज़ल लगाओ, ठीक। ये चिलम रखो, फिर उसके बाद यहाँ पे ऊपर हाथ को रखना है सही से, अच्छे से दबा करके, और यहाँ से खींच करके देखना है। बढ़िया, प्रेशर तो अच्छा ले रहा है। एक बार अंदर की वाटर रॉड भी चेक कर लेते हैं। वाटर रॉड भी परफेक्ट है। इसको पूरा फिट कर लेते हैं। पानी डालते हैं, चेक करते हैं कि ऐसा क्या मसला है, इसमें क्यों स्मोक नहीं बन रहा। ये वाला हिस्से को खोला, लॉक सिस्टम है इसके अंदर। पानी डाला, पानी ज्यादा हो गया। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डलेगा। पानी देखने का तरीका बता देता हूँ। इसमें साइड में यहाँ पे दिख रहा है, डिस्प्ले है। और वाटर रॉड हमारी कम से कम इतनी डूबी होनी चाहिए, इतनी कम से कम डूबी होनी चाहिए पानी के अंदर। अब एक बार बढ़िया, आवाज़ परफेक्ट है। इसके अंदर पानी नहीं आ रहा है। लगा देते हैं पाइप को, देखते हैं क्या पता पाइप में कहीं लीक हो। हैंडल लगा दिया, एक बार हैंडल को भी खोल करके चेक कर लेते हैं। इसका हैंडल खुलता है, हैंडल में भी कोई इशू नहीं है। चिलम मैंने तैयार करके रख रखी है, इसे लगाते हैं। अब देखते हैं कि इस मॉक में, अब लास्ट चीज है, सारी चीजें तो ओके ही दिख रही हैं मोटा मोटी। अब देखते हैं इस मॉक में आता है नहीं आता। पहला पफ, देख रहा हूं अभी मैंने नई चिलम लगाई है, स्मोक भी ठीक ठाक ही दे रहा है। ऐसी कोई इशू मुझे तो नहीं लग रहा कि इसके अंदर कुछ इशू होगा। फिर भी अभी थोड़ा और रुकते हैं, चिलम को और देखते हैं। और इसका स्मोक तो इससे काफी ज्यादा है, देखते हैं क्या मसला है। और एक चीज और, बाकी और कोई सेलर आपको इतना सेटिस्फेक्शन नहीं करके देगा किसी भी चीज के लिए कि ओके में अगर स्मोक नहीं आ रहा तो वो चेक नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर देखो आने पे भाड़ा मेरा लग गया फालतू। लेकिन पीस बिल्कुल ओके है बट मेरे लिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काम तो होता रहता है लेकिन अगर कस्टमर संतुष्ट है तो हम संतुष्ट हैं। हमारा काम आप और आगे लोगों को बताओगे। मैं पेड प्रमोशन करता नहीं, जो आप माउथ टू माउथ वाला होता है लोग एक दूसरे को बताते हैं, हमारा काम उसी से चल रहा है। पेड प्रमोशन हम करते नहीं, इसलिए मेरे लिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं अब इसके अंदर और पफ लेता हूँ, फिर रिवर्स करके भी देखता हूँ कि कहीं यहाँ पे कुछ तो नहीं फंस रहा।
रिवर्स भी सही चल रहा है, सारे एक बार छेद देख लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक इसके सारे छेद हैं। सारे सारे होल इसके परफेक्ट काम कर रहे हैं। हुक्के में कोई इशू नहीं है, मोटा मोटी में सारी चीज़ों को मैंने चेक कर लिया, स्टीम को भी खोल के चेक कर लिया, बेस को भी चेक कर लिया। स्टीम का भी दिखाया था मैं जो बता रहा था, इसके अंदर जो होल होते हैं बॉल पड़ी होती हैं, ये वाला कॉलम हम घुमाएंगे इस तरीके से। तो देखो इस जगह पर बॉल दिख जाती हैं, बॉल ना गिरे इसके लिए यहाँ पर एक वो स्टील का रिंग भी डाल रखा है ताकि बॉल ना गिरे। इस बॉल भी हैं इसके अंदर, और अगर कभी भी हुक्के में किसी के भी इशू आए तो यही तरीका होता है चेक करने का, जो मैंने बेसिक चीज़ें बताई हैं इसके अंदर करके। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं होती, हो सकता है बनाने में कोई इशू आया हो या कोई दिक्कत हो, या कोयल हो सकता है कम ही डाली हो जब आप यूज़ कर रहे हो, बाकी हुक्का तो परफेक्ट काम कर रहा है। सही है, कोई इशू नहीं है। तो ऐसे देखो हुक्का मेरा बढ़िया एकदम परफेक्ट काम कर रहा है, एज सच नो प्रॉब्लम, फाइन एकदम बढ़िया। और हुक्का चेक भी हो गया, हुक्का चेक करने का तरीका भी बता दिया, चाहे ये हो ये मॉडल हो कोई सा भी मॉडल हो, सबको चेक करने का यही तरीका होता है। ये वीडियो मेरे सारे कस्टमर के लिए बन गई है, और जो अपनी ऑडियंस है उनके लिए भी। अगर कभी भी हुक्के में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही हो, सबसे पहले इसे हिला करके चेक करो बॉल की आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, इसे खोल करके चेक करो बॉल पड़ी है नहीं पड़ी, और फिर उसके बाद वाटर रॉड चेक कर लो, वाटर रॉड के अंदर पानी का लेवल जो चेक करने का तरीका बताया वैसे पानी चेक करना है। चिलम चिलम सेट करने का तरीका मैंने दिखा रखा है, मैंने और ट्यूटोरियल डाले हैं चिलम कैसे बनानी है सिलिकन के अंदर परफेक्ट चिलम, और मेरी एक वीडियो देखना उसके अंदर मैंने चार हुक्के सिंगल एक ही चिलम से चालू करे हैं दो दो पफ के अंदर, वो भी देखो जाकर के वीडियो, बहुत बढ़िया वीडियो है। परफेक्ट सिलिकन चिलम बनाने का तरीका मैंने बता रखा है, इशू चेक करने का तरीका बता दिया, पानी भरने का तरीका बता दिया, अब हुक्के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको किसी में भी कभी भी कोई दिक्कत आती है, जो तरीका है सेम यही मेथड फॉलो करो, और अपने हुक्के के अंदर इशू चेक कर लो क्या है। और जो दूसरा बताया मैंने यहाँ पे ये लगा करके इसके ऊपर हाथ रखकर प्रेशर चेक करने का तरीका, वो भी है, उसके अंदर चालू ही नहीं करना पड़ेगा, बस हाथ रख के प्रेशर पता चल जाएगा, और पानी का तरीका सब कुछ बढ़िया है। देखो कितना बढ़िया स्मोक आ रहा है, कई बार क्या होता है सिलिकन चिलम क्लाउड जो होता है ना गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, लोग शुरुआत में सोचते हैं कि स्मोक नहीं आ रहा है स्मोक नहीं आ रहा, तो 2-5 मिनट लेगा स्मोक आना शुरू हो जाएगा, जैसे देखा था शुरुआत में स्मोक कम था, अब स्मोक कितना ज़्यादा आ रहा है। स्मोक में कोई दिक्कत नहीं है, हुक्के में कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट काम कर रहा है। तो जाओ मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ, अब जिसको भी ऑर्डर प्लेस करना है इस ओके के अलावा और कोई मॉडल चाहिए मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ, जाके डीएम करो, मेरे पास कैश डिलीवरी बिल्कुल भी नहीं है, कैश डिलीवरी बिल्कुल भी मैसेज ना करें, आपका और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट होता है कैश डिलीवरी के ऊपर, मैं कैश डिलीवरी बिल्कुल भी नहीं देता। ट्रस्ट हो तो मैसेज करो, ट्रस्ट नहीं हो तो जहाँ से आपको ट्रस्ट हो वहाँ से ऑर्डर प्लेस करो, मेरे पास से ऑर्डर प्लेस मत करो अगर ट्रस्ट नहीं है तो। बाकी मेरा हर एक पीस मेरा खुद के अपने हाथों से चेक करा हुआ, क्वालिटी चेक एक बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।